आज का सीनेरियो ये रहेगा कि अभी मैं जा रहा हूँ आयुष से मिलने। आयुष और उसकी एक फ्रेंड है, वो भी मिलना चाहती है। भाई देख लो दोनों के दोनों, अब इनका चैलेंज ये है कि कौन सबसे पहले पूरा खत्म करता है। अभी प्रज्ञा कह रही थी कि हाँ भाई मैं ऑफिस का 3 पराठे खा जाती हूँ, ये बड़े बड़े। अभी और प्रज्ञा को करते हैं बाय। काफी अच्छा लगा मिलके इन लोगों से, इससे तो मैं मिलता रहता हूँ लेकिन इससे फर्स्ट टाइम मिला। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो भाई देख सकते हो कैसे मैं अपनी सिंड्रेल पे आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं गुड़गांव, जैसे कि तुम्हें बताया है कि। और भाई सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा फॉग टाइप का हो रहा है और ठंड भी बहुत लग रही है डूड। जिस तरीके से मतलब अभी दिल्ली का हाल हो रखा है ना, कि मतलब स्टार्टिंग ही है ये, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ था, सर्दी स्टार्ट हुआ है और भाई फाड़ के रखी हुई है। तो अभी तो फिलहाल ये है कि ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं तुम्हें, नॉर्मली दिखेगा, तो इसमें एडजस्ट करना। और दूसरी चीज़, आज का सीनेरियो ये रहेगा कि अभी मैं जा रहा हूँ आयुष से मिलने। आयुष और उसकी एक फ्रेंड है, वो भी मिलना चाहती है, मतलब मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, मतलब हम दोनों मिलना चाहते हैं एक दूसरे से। तो अभी जाके मिलते हैं और देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। आज का व्लॉग जो है हमारे दोस्ती के ऊपर टॉपिक है और अभी जा रहा हूँ फटाफट। तो नाइट व्लॉग का मतलब ये नहीं है कि हर बार एक ही चीज़ देखने को मिलेगी तुम्हें नाइट में। आज जो है हम मीटअप कर रहे हैं अपनी, ठीक है, तो हमारा सिंपल मीटअप है। मीटअप करने के बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो चलो बने रहो व्लॉग में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन दबा के, ठीक है, बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारे पास सारे नोटिफिकेशन वगैरह आते रहेंगे और ऐसे इंजॉय करते रहो, तो बने रहो। तो भाई अभी मैं सिकंदरपुर में रुक के लोकेशन मंगवाया, लोकेशन मंगवाने के बाद अब जा रहा हूँ, ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ से सीधा। और आयुष ने भेजा है यहाँ पे लेफ्ट की तरफ, बोल रहा है कि 28 तरफ है और DL है Phase 4। वाओ, Phase 1 में हो, अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिलने वाले हैं, सच बताऊँ तो काफ़ी टाइम हो गया हमें मिले हुए यहाँ से। और मैं अक्षय काफ़ी टाइम पहले से जानते हैं, हाँ कोई थर्ड है जो नहीं जानता अभी, बस हाँ हमारी चैट्स हुई हैं थोड़ी बहुत और बात हुई है नॉर्मली, लेकिन अभी देखते हैं कहाँ बुला, अभी मिलकर कैसा लगता है ये चीज़ मुझे अनुभव करना है उसके साथ सामने से। ये चलो। वाओ देख रहे, दोनों सेम लग रहा है लेकिन है नहीं। और थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि ये लोकेशन मेरे को बिल्कुल नहीं पता कहाँ बुला है कहाँ नहीं बुला है, पर देखो बिल्कुल सीधा जाना है अभी हमें। भाई देख लो दोनों के दोनों, अब इनका चैलेंज ये है कि कौन सबसे पहले पूरा खत्म करता है। अभी प्रज्ञा कह रही थी कि हाँ भाई मैं ऑफिस का 3 पराठे खा जाती हूँ, ये बड़े बड़े। अभी एक देखकर हिल गई है ये। और इधर है आयुष, ये भी कह रहा था बता प्रज्ञा इसको बता, ठीक है, तो चल अब मैं, तू मेरे को बता खाओ बेटा, ठीक है। ये भी बात हुई थी कि शेयरिंग में करेंगे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुआ था, मैंने बोला था मैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगा बस, क्योंकि मैं पहले ही बता रखा मैंने आप लोगों को मैं चर के आया हूँ घर से ही, तो मैं तो नहीं खाने वाला। और ना बिल्कुल भी नहीं बेटा, तुम्हारा ही है, खाओ एंजॉय करो भाई, ठीक है। स्टार्ट। मैं तो सिर्फ चाय पीऊंगा, सच बता रहा हूँ मैं। अरे मैं यहाँ खाता रहता हूँ यार, जब भी तुम्हें, भाई तुमने जीता जागता जानवर देखा है इंसान के रूप में, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो ये थाली घुमा रहा है, नचा रहा है, बजा रहा है, खत्म कर चुका है ये। और इसको प्रज्ञा को देखो, डन ये डन भी हो गई, देखो सोचो 3 पराठे खाने वाली लड़की डन हो चुकी है। अभी देखो ये पूरा भाई आधा भी नहीं हुआ ये तो, प्रज्ञा नाम हंसवा रही हो, सीरियसली नाम हंसवा रही हो। और आयुष खत्म कर चुका है, अब कह रहा है कि अब प्रज्ञा का भी खाऊंगा मैं ही। वेस्ट नहीं कर सकते, पैसे दे रहा सही। तो भाई देख लो
ये बकलोली हो रही है अभी अभी टाइम कितना हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं और ऑलवेज वैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तो भाई अब आयुष और प्रज्ञा को करते हैं बाय बाय। काफ़ी अच्छा लगा मिलके इन लोगों से, इससे तो मैं मिलता रहता हूँ लेकिन इससे फर्स्ट टाइम मिला और काफ़ी अच्छा लगा प्रज्ञा, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए यार, सीरियसली मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और अब निकल रहे हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, देखो इस ढाबे का मैंने पहले भी जिक्र किया है कि नाइट में कभी भी आते हो तुम लोग तो यहाँ पे तुम्हें ऑलवेज वेलकम मिलेगा तुम्हारा। और ये सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे ही है। नहीं और हम भी मिले हैं सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन नियर बाय अक्षय डोगरा। तो चलो इनको बाय बाय करते हैं और प्रज्ञा नेवर नेवर। और क्या तुम तो जा रही हो ना? मैं तो हिमाचल आऊँगा, मेरा तो ड्रीम है, मतलब अभी जाना है मेरे को कश्मीर, फरवरी में मे भी हो सकता है जाऊँ लेकिन है। तो इनको करते हैं बाय ठीक है, मैं गुड़ खा लेता हूँ। भाई प्रज्ञा और आयुष को कर दिया मैंने बाय बाय, हम तीनों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया आज और काफ़ी अच्छा लगा आज मिल गए प्रज्ञा से। काफ़ी टाइम से हम दोनों ट्राई कर रहे थे कि हाँ एक दूसरे से मिले और आज जाके मौका मिला तो आज हम मिले और काफ़ी इन्जॉय किया, खाया भी और इन्जॉय भी किया, घूमने भी गए। तो बेसिकली मैं बता दूँ प्रज्ञा के बारे में, प्रज्ञा मेरी इंस्टा फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड के थ्रू भी मैं इसे जानने लगा, तब जाके इतनी ज़्यादा अच्छी मतलब बॉन्डिंग हुई हमारी और हम मिले और काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ देख के, वो दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ खुश है। और मैं भाई मैं तो मैं हूँ सिंगल लौंडा, अगर साथ में देखता हूँ जोड़ियों को तो उनको देखकर खुशी होती है मुझे कि हाँ स्टिल लव जो है ऑलवेज केयर करता है एक दूसरे की, तो वो चीज़ करते हैं ये दोनों। काफ़ी अच्छा लगा मुझे मिलके और आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैं जाऊँ घर और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही है अब क्योंकि सुबह जिस तरीके से सुबह ढलता जाता है ना सुबह आता रहता है और भी ज़्यादा जो है मतलब भाई कड़ाके की ठंड स्टार्ट हो जाती है। और ये इलाका जो है ना पूरा एक तरीके से मान लो कि पेड़ ही पेड़ है ना, तो और भी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में तुमसे और ऐसे ही मतलब मीटअप वगैरह रखेंगे लोगों से और मिलते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, इसी तरीके से मज़ा आता रहेगा। ठीक है चलो बाय बाय, टेक केयर।